हर पुरुष कल्पना करे, मैं जो बात बताता हूं, मैं मुसलमान पुरुषों की भी कहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए, ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो 3 तलाक दे दी जाए, ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो, घड़ी मंगवाई घड़ी नहीं आई 3 तलाक दे दो, मोबाइल मंगवाया मोबाइल नहीं आया 3 तलाक दे दो, कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था, और सिर्फ उस मुस्लिम महिला का ही नहीं, आप उस बेटी के पिता का दर्द समझिए, उस बेटी की मां का दर्द समझिए, जब बेटी वापस चली आए तो उसके मन पर कितनी गुजरती होगी, वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं बेटी 3 तलाक ना हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है, मेरी बहन बेटियां बच गई है और उनके मायके वाले भी बच गए हैं। गौर परिवारवादियों ने किसानों और खासकर छोटे किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है, ऐसे छोटे किसानों की चिंता पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, उसके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजना शुरू किया, हमने फसल बीमा के नियमों में बदलाव किया, उनके लिए विशेष हमने पेंशन योजना शुरू की, हम किसानों के क्रेडिट कार्ड के दायरों को बढ़ा करके पशुपालन करने वालों को, मछली पालन करने वालों को भी हमने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया, हम उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर को भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं, ये डेयरी प्लांट अपनी बिजली की जरूरत गोबर से बनी बायोगैस से पूरी कर सके इसकी भी व्यवस्था की जा रही है, इससे किसान को आय का एक और अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और दूध न देने वाले पशुओं का उनको गोबर बेच करके भी कमाई का एक नया विकल्प हम पूरे उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं।